दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो, नए ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से आ गए हैं गोरखपुरिया भौजी को लेकर बात करने, गोरखपुरिया भौजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोरखपुरिया भौजी आज गई हुई है बहराइच, तो वहाँ पे कोई देवता है जिस देवता को वो पूजा करती है। तो ये कहते हैं कि कोई धर्म बांटा नहीं है, इंसान अब सारा धर्म बांटा है। तो कोई भी भगवान अलग नहीं होते, सारे भगवान एक ही होते हैं, हम भी तो यही जानते हैं भाई। हम मुस्लिम का भी मस्जिद देखते हैं तो वहाँ पे भी सिर झुकाते हैं और अपने मंदिर में भी सिर झुकाते हैं। हमारे लिए भी कोई धर्म बांटा नहीं गया है, सबका पालन करते हैं हम सबके। वैसे ही भाभी हैं, भाभी भी सब चीज़ को मानते हैं सबको, क्योंकि इंसान बांटा है, इंसान बांटा है, भगवान नहीं बटे हुए। तो भाभी गई हुई है बहराइच, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट्स देखे, उनके कमेंट्स सेक्शन में जाके बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसके ऊपर भूत है, ये है, वो है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम वो सब चीज़ मानते ही नहीं है दोस्तों। और क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान ना मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और गोरखपुरिया भौजी तो एक ऐसी औरत है जो 10-10 आदमी का काम अकेले करती है, सबका सपोर्ट करती है, कभी कुछ करती है, कभी शॉर्ट वीडियो, कभी कुछ, कभी घर का काम, कभी घर छत, ये सब आप लोग देखते होंगे, आए दिन उनकी वीडियो देखते हैं। वो रुकती नहीं है, 10 आदमी का काम अकेले करती है, भाभी अकेले सारा काम करती है। और वहाँ पे जो भी उनके साथ हुआ, जो भी हम लोगों ने देखा कैमरे में, तो उसको लेके हम उल्टा कमेंट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का मतलब हम गलत ही निकालें। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे, मैं भी देख के एकदम शॉक हो गई, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। भगवान से यही कहूँगी कि भगवान गोरखपुरिया भौजी को, भाभी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही होगी क्योंकि बगल में कूलर चल रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि गर्मी से जितना ज़्यादा बच के रहिए उतना ही ठीक है। आप देख सकते हो बाहर इतना धूप है, अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं, धूप इतना ज़्यादा है, हम तो घर ही में रह रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आँख वाँख सब मेरा, और धूप से मेरे को एलर्जी है भाई की, पूरा आँख का दवाई वाई चलो, अभी देखिए ये दवाई ही लेके आए कल 2000 रुपये का खाली आँख का दवाई लेके आए हैं, तो डाले वाले हैं तो थोड़ा सा आराम है। तो दोस्तों, भाभी के मतलब जो भी हो रहा है, मैं तो विश्वास नहीं करती कि भूत है, लेकिन वो सब देखने के बाद से ना कहीं विश्वास करना पड़ता है, कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। लेकिन खैर, जो भी हो, हम तो भगवान से ही कहेंगे भाभी ठीक हो जाए, क्योंकि वो अकेली ऐसी औरत है ना जो सबको देखती है, सबके लिए करती है। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।